alkene, which is stand up. Which is Sridhar. थोड़ा समझ आएगा. हाइड्रोजन अंडरस्टूड है. टेंथ वाली बातें छोड़ दो, वो आपने खुद बना लिया करना है. हाँ बस ये अंडरस्टूड है कि कार्बन की आपने टेट्रावेलेंसी पूरी करनी है. जितने कार्बन जितने कोई और एटम लगे हो उसके अलावा बाकी हाइड्रोजन ही है. हमने अब टेंथ वाले आपके 5-6 स्ट्रक्चर नहीं बोर्ड पे आके बनाने, हमने 10-15 पता नहीं कितने बनाने हैं, काउंटलेस. ठीक है, तो बनाने सीखो एल्कीन. ठीक, दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज हैविंग डबल बॉन्ड. ओके, सो डबल बॉन्ड स्टार्ट्स विद टू कार्बन एटम्स. इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा एंड कॉमन नेम. टू कार्बन एटम इथ एंड सफिक्स इज ई. ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, ई इथीन. कॉमन नेम में इसको बोलते हो इथाइलीन. द कॉमन नेम इज इथाइलीन. अब ये बात ध्यान रखना बेटे, प्लस टू तक हम इसके कॉमन नेम बहुत कम यूज करेंगे. इसका आपको आईयूपीएसी नेम ही पता होना चाहिए. जिस चीज का मैं बोलूँ ना कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसका आप मैं बोलूँ इग्नोर कर सकते हो ना कर सकते हो. ठीक है, इनके अगर इग्नोर कर सकते हो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन नेम बहुत कम यूज करते हैं. इनके आईयूपीएसी यूज करते हैं, जैसे आइसोहेक्सेन को लिखवाया उनके कॉमन नेम्स बहुत यूज करोगे आप वेल्थ में. ठीक है, देन लाइक दिस इज प्रोपीन. इसको प्रोप वानीन बोल दो या प्रोपीन बोल दो, एक ही बात है. क्योंकि डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे आएगा तब भी फर्स्ट पोजीशन है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तब भी फर्स्ट पोजीशन है, तो ये फर्स्ट ही रहना है हमेशा. हम प्रोपीन लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रोपाइलीन. ठीक, नेक्स्ट इज ये फर्स्ट पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड आ सकते हैं वन, तो इट इज ब्यूट वन ई. ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकते हैं, तो इट इज ब्यूट वन ई. और ये सेकंड पोजीशन पे भी आ सकता है, दैट इज व्हाई इट इज ब्यूट टू ई. ब्यूट वन ई, ब्यूट यहां से भी काउंटिंग करोगे तब भी टू है, यहां से काउंटिंग करोगे तब भी टू है. बेटे इग्नोर तब कर सकते हैं जब आपकी ऐसा फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये थ्री कार्बन है इसने फर्स्ट पे ही आना है, समझ रहे हो. इस केस में डबल बॉन्ड हमेशा फर्स्ट पे ही आएगा, इस केस में भी डबल बॉन्ड हमेशा फर्स्ट पे ही आएगा. ऐसी कंडीशन में आपको लिखना ही पड़ेगा नॉमेनक्लेचर में कि आपको बताना ही पड़ेगा वन पे या टू पे. वन भी लिखना ही होता है क्योंकि कन्वर्जन में हेल्प करेगा, नहीं तो तभी आपको पता चलता है कि सब्स्टिट्यूटेड है या नहीं. कॉमन नेम में इसको आईयूपीएससी नेम में बोलोगे ब्यूट वन इन, इसे ब्यूट टू इन, इसको अल्फा ब्यूटाइलीन. जैसे प्रोपाइलीन है तो ये ब्यूटाइलीन है.
बीटा ब्यूटाइल, ये बहुत कम यूज होते हैं, दैट इज व्हाई यू कैन इग्नोर इट। हंगामा अगर एक और डबल बॉन्ड पड़ गया। ठीक है, तो अब बनाओ नेक्स्ट अपने आप पेंट वन ई। चलो हरी अप, हरी अप। पेंट वन ई, टू इन बनाओ। पेन टू इन, पेन टू इन, तूने सी एच टू एक्स्ट्रा दिखाया है। देख बीच वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है ना, तीन बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, एक ही एच आएगा। क्या पेंट थ्री इन होगा? कोई होगा? चलो ना, होगा पेंट थ्री इन, हो सकता है बना के देखो, हो सकता है कि नहीं। पेंट थ्री इन, अरे आप पेंट थ्री इन बना के देखो बनता। क्या हुआ? बनेगा पेंट थ्री इन, क्योंकि आप काउंटिंग उधर से शुरू कर दोगे, वेट वो टू ही रह जाएगा फिर से। ठीक है, अब आ जाओ ट्रिपल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड आ गया समझ। चलें ट्रिपल बॉन्ड पे, अगर टाइम, अगर डबल बॉन्ड नहीं आया तो हम एक और कर लेते हैं। आ गया कोई डाउट? चलो हेक्स वन इन बनाओ, आ रही आप हेक्स वन इन। बेटे फास्ट हो, देखो ऐसे बनाते हैं, जब मैं बोलूं हेक्स वन इन फटाफट छह कार्बन बना दो फटाफट, फिर हाइड्रोजन लगाओ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हेक्स वन इन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, थ्री हाइड्रोजन, इस कार्बन में टू बॉन्ड है, टू हाइड्रोजन, टू बॉन्ड है, टू हाइड्रोजन और, टू बॉन्ड है, टू हाइड्रोजन और, वन टू थ्री बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, वन टू बॉन्ड है, टू हाइड्रोजन और। इतनी देरी नहीं कि हमने साथ साथ हाइड्रोजन लगाते जाने। अब एक्स टू इन बनाओ, चलो अरे आप एक्स टू इन जल्दी कार्बन लगा दो फटाफट, सिक्स हेक्स टू इन, एक्स थ्री इन होगा, क्या पता हो जाए। हो गया एक्स थ्री हुआ,
इसे को बोलोगे गामा एक्सलीन। अब आ जाओ बेटे एल्काइन। एल्काइन विथ ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन विथ ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट एल्काइन अगेन टू कार्बन एटम्स। व्हाट इज आईयूपीएससी नेम? अगेन बेटे इथाइन। इथ इज वर्ड रूट, आइन इज सफिक्स। ठीक, इथ आइन। और इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलीन, और इसका कॉमन नेम आना ही चाहिए आपको, आना ही चाहिए, ये याद होना चाहिए। इसका कॉमन नेम एसिटाइलीन हमेशा याद होना चाहिए। हमने बोलना भी एसिटाइलीन है, हम कभी आपके लिए थाइलीन नहीं बोलेंगे। इथाइन ये नहीं यूज होता, ज्यादातर एसिटाइलीन बोला जाता है इसको। ठीक है, एसिटाइलीन। प्रोपाइन, बस इसको एक ही याद रखो, चाहे बाकी ना रखो। वैसे इसको कहते हैं मिथाइल एसिटाइलीन। आप फर्स्ट वाले का कॉमन नेम हमेशा याद रखोगे, फर्स्ट वाले का हमेशा याद रहना चाहिए क्लास 12 तक। ठीक है, बाकी चाहे भूल जाओ, बाकी के चाहे आपको आईयूपीएससी याद रहे। इसको कहते हैं क्या, मिथाइल एसिटाइलीन। इसमें इसके कॉमन नेम में एसिटाइलिन को पकड़ लेते हैं। ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है ना, इसको तो एसिटाइलिन बोला ही जाएगा, और जो आसपास लगे होंगे ना वो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल एसिटाइलिन ऐसे बन जाते हैं। समझ आ रही है? अब ये एसिटाइलिन पकड़ लिया तो ये क्या बन गया, मिथाइल एसिटाइलिन। गॉट इट? अब नेक्स्ट, नेक्स्ट के दो बन जाएंगे आपके। दिस इज ब्यूटाइन या ब्यूट वन आइन। एंड इसको क्या बोलोगे, इथाइल एसिटाइलीन। ये क्या बन जाएगा, ब्यूट टू आइन। सो बोलोगे डाई मिथाइल एसिटाइलीन। आपको फर्स्ट का कॉमन नेम हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा बनाओ इस खुशी में पेंट टू आइन बनाओ। चलो जल्दी जल्दी पेंट टू आइन बनाओ, अरे आप जल्दी फास्ट हो जाओ। पेंट टू आइन बनाओ, अरे आप पहले कार्बन लिख लिया करो, फिर हाइड्रोजन देखा करो। हमने पूरे करने हैं, जहां पे अगर पेंट टू आइन है तो उन दोनों कार्बन को एक भी हाइड्रोजन ही चाहिए होगा। फिर हाइड्रोजन क्यों है ट्रिपल बॉन्ड के पास, क्यों है हाइड्रोजन बेटे? कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। बहुत सुंदर, पेंट टू आइन। चल टू बना पहले, क्या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन बेटे आपने ये देखना है कि कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड है, जैसे ये है, ये कार्बन है, इसके अराउंड कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 ऑलरेडी है, तो कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3, उसको एक हाइड्रोजन की जरूरत थी।
इस कार्बन के पास एक बॉन्ड था, इसको तीन और की जरूरत थी। समझ आ रही है? अब इस कार्बन के अराउंड थ्री बॉन्ड थे तो एक हाइड्रोजन की जरूरत। सेम इस कार्बन की तीन लाइनें नजर आ रही हैं तो एक हाइड्रोजन की जरूरत। बहुत बढ़िया। हाँ मेरे बाइनोकुलर्स लगे हैं। सही। ये CH2 ही रहेगा, इसको तो जरूरत है। हो गया। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे भागे। नेक्स्ट इज एल्कोहल्स। हरी अप। एल्कोहल तो यू हैव डन हाइड्रोकार्बन्स आर्यमन क्वाइट विच हैव सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपने एल्केन कर लिया, आपने एल्कीन एल्काइन दोनों भाई बहन है, कोई हार्ड नहीं है। एक के साथ हीन लगा देते हो, एक के साथ आइन, एक के साथ डबल बॉन्ड, एक के साथ ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स इट। फर्स्ट एल्काइन आपको याद होनी चाहिए विद द कॉमन नेम दैट इज एसिटाइलीन, ऑलवेज एंड ऑलवेज। ठीक है। अब आज जो एल्कोहल्स पे बुक्स पे पहले आपके हेलो एल्केन्स गिवन है, वो बाद में देखूंगी आपके, पहले सफिक्स वाले करो सारे। एल्कोहल्स देखो, एल्कोहल्स के लिए जैसे एल्केन के लिए सफिक्स क्या लगा, इन। ठीक है। इन केस ऑफ एल्कीन इन, इन केस ऑफ एल्काइन आइन, इसका ऑल ऑल। ठीक। अब ये इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक OH ले आए। ठीक। ये कौन सी हाइड्रोकार्बन थी, मीथेन, मीथेन थी ना, इसका एक OH रिमूव कर लिया आपने, एक H रिमूव कर दिया तो ये बन गई मीथेन। अच्छा अब मीथेन पूरा नहीं लिखते हम, इसका E काट देते हैं, क्योंकि जो इसका जो सफिक्स है वो वॉवल से शुरू हो रहा है तो ऑल। ठीक है। दो वोवल इकट्ठे नहीं आएंगे तो इसका E काट दिया जाता है। ये आपका वर्ड रूट हो गया, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी आपको एल्केन के बारे में बता रहा है और सेकेंडरी आपको फर्दर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा है। ठीक है। सो दिस इज मीथेनॉल। कॉमन नेम में हम पूरा एल्कोहल बोलते हैं और इसको एल्काइल ग्रुप की तरह का समझा था ना, आर का मतलब एल्काइल होता है तो इसे बोला जाता है मिथाइल। क्या बोला जाता है, मिथाइल। तो इसको एल्कोहल, या तो इसको बोलते हैं सारों को एल्काइल एल्कोहल्स। एल्काइल का मतलब क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप जो भी आएगा आपका। ठीक है। जैसे इस केस में क्या है, जिस केस में क्या है, मिथाइल। तो आप बोलोगे कॉमन नेम में मिथाइल एल्कोहल पूरा। ठीक है। जब कॉमन नेम यूज करोगे तो यू विल राइट एल्कोहल एज एल्कोहल। इसको पूरे को क्या बोलेंगे, एल्काइल एल्कोहल, कोई भी एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्या है, इथेन। तो इथेन का मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये क्या बनेगा, इथेनॉल और इथाइल एल्कोहल। एच एच रिमूव करते ना हर बारी, एल्केन का एच रिमूव करके OH लेके आए तो किया ही किससे, इथेन से ही तो किया। तो वर्ड रूट इथ हो गया, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एन हो गया,
एच यहां से रिमूव हुआ तभी तो ओ एच आया, समझ आ रही है? एच यहां से रिमूव हुआ तभी तो ओ एच आया। इट इज इथेनॉल, देन इट इज इथाइल एल्कोहल। आइसोमर्स बहुत है, आपने कुछ भी नहीं किया। आइसोमर्स द आइसोमर यू हैव डन दैट इज चेन आइसोमर्स, यू विल डू पोजीशन, टोटोमर, मेटामर, सब कुछ करोगे आप। एवरी काइंड ऑफ आइसोमर्स, द आइसोमर यू हैव डन इन क्लास 10, दैट इज ओनली वन टाइप ऑफ आइसोमर, दैट इज चेन, दैट्स इट। अब ये क्या हो जाएगा बेटे? प्रोपेनॉल या प्रोपेन वन ऑल, क्योंकि इसमें टू ऑल भी आएगा, ठीक है? सो प्रोपेन वन ऑल, और क्योंकि ये सीधी चेन है तो दिट इज एन प्रोपाइल एल्कोहल, मैंने कल ही करवाया, दैट इज एन प्रोपाइल एल्कोहल। समझ आ रही है? सीधी चेन, बिल्कुल सीधी पे प्राइमरी पोजीशन से रिमूव किया तो दैट इज एन। अब ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इस पोजीशन पे ले आऊं, अब किस पोजीशन पे ओएच है? सेकंड पोजीशन पे, इट इज प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, और इसको क्या कॉमन नेम में बोलोगे? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसको आइसोप्रोपाइल आपको याद करना ही है, प्लस टू में ऐसे ही यूज होगा। ठीक है, चलो बनाओ। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन वन ऑल, नेक्स्ट चलो आ गया। हाँ हो गया, ब्यूटेन वन ऑल। क्या कॉमन नेम इज एन ब्यूटाइल एल्कोहल? राइट डाउन एन ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटेन वन ऑल, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट बनाओ, ब्यूटेन टू ऑल। हाँ तो इस तरफ लगा, इस तरफ काउंटिंग फर्स्ट पोजिशन में होना चाहिए, बस जहां मर्जी मैं चेन ऐसे पकड़ लूंगी तेरी। चलग आप ब्यूटेन टू ऑल आ रही है, आप ब्यूटेन टू ऑल। सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, मैंने कल क्या बोला आपको? सिर्फ एंड सिर्फ इस केस में सेवन नहीं बनता, इस केस में सिर्फ प्राइमरी मतलब एन और आइस होता है, और बाकियों में अब जब ब्यूटेन शुरू होगा तो पहले सबसे पहले क्या होगा? एन ब्यूटाइल, फिर सेकेंडरी, फिर आइसो हमने पढ़ा था, और फिर टर्शरी भी पढ़ा था। तो अब मैं तभी रिकॉल करवा रही हूँ ना बेटे आपको। अब ब्यूटेन टू ऑल बना लिया, बन गया, उसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, लिख लो साथ में एस ई सी सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। एक कॉमन नेम ऐसे याद होनी चाहिए, पूरा सेकेंडरी लिखने की जरूरत नहीं है, एस ई सी। बेटे जिनके मैं कॉमन नेम बोलती हूँ ना, इम्पोर्टेंट है, मीन्स इम्पोर्टेंट है, उसमें दोबारा क्वेश्चन मत पूछा करो क्यों कैसे, फिर आप रियलाइज करोगे ट्वेल्थ में सच्ची कह रहे थे। नेक्स्ट लिखो बेटे,
टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल, टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल, जस्ट गिव द ट्राई, मैं तो बोर्ड पे बना देना है, टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल, जल्दी जल्दी गिव द ट्राई, टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल। टू मिथाइल ये हो गया प्रीफिक्स, ठीक है। प्रोपेन वर्ड रूट मतलब बेसिक चेन आपकी तीन कार्बन की है, प्रोपेन वन ऑल, फर्स्ट पोजीशन पे ऑल है, ठीक। टू मिथाइल यहां पे मिथाइल है, ठीक है। अब ये सेवन बन रहे है आपका, ये सेवन बन गया ना, इसे बोलते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, कोई बात नहीं, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इसको बोलोगे कॉमन नेम में, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। बेटे सेकेंडरी कार्बन से ओएच नहीं रिमूव हुआ, ध्यान से देख, सिर्फ जो आइसो नॉर्मल है वो प्रोपेन में, उसके बाद सेकेंडरी टर्शरी शुरू हो जाते हैं, भाई ये याद रखना, उसके बाद हमने सेवन बनाना है, जब सेवन बन गया तो आइसो है, तभी मैंने सेवन की ट्रिक बताई है आपको, फिर आप गलती कर लेते हो वही। ये कितने एक ही होगा, हाँ एक दो तीन हो रहा है, अगर मैं आइसो कुछ और बोलूं तो आप आगे बनाते जाओगे, ये यहाँ ऐसे ही रहेंगे। एक दो तीन और एक हाइड्रोजन, हाँ जी बेटा, तो टू मिथाइल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। नेक्स्ट बेटे एन प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन वन ऑल, क्योंकि इसकी बेटे टू पोजीशन भी होती है, कभी कभी जब आपकी बाहर चेकिंग करने आते हैं ना तो ऐसे एग्जामिनर भी बैठे हुए हैं जो आंसर की देख के चेक करते हैं, वो आपकी नहीं सुनेंगे क्योंकि उनको कईयों को और नहीं पता, तो यू शुड नो प्रोपेन वन ऑल है, उसको तो गलती कोई नहीं कर सकता। ठीक है अब आगे बनाओ, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। सी बेटे आपको ना एक बात बताती हूँ, आज जब आप प्लस वन में नॉन मेडिकल रख लेते हो ना, बुक्स को फ्रेंड बनाना सीख लो, क्योंकि जब कॉलेज मिलता है ना वो इंडिविजुअल बच्चे को मिलता है, अपना खुद का पढ़ना सीखो, ये क्लास टेंथ नहीं है कि हमारे साथ वाले मस्तियां करनी है तो हमने भी मस्ती करनी है, आप अपना पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किसी को सारे अलग अलग हो जाओगे, क्रीम अच्छे कॉलेजेस में जाती है और अच्छे कॉलेज में ही प्लेसमेंट सेल बैठती है, अब ये टेंथ में प्लस वन में नहीं आना स्वामी संदास से, स्वामी संदास में से,
तो कोई बात नहीं है, बाकी बातें कर रहे हैं क्लास में हम भी करें, हमें नहीं समझ आ रहा, हम कोशिश करनी है समझने की। अलग अलग का ब्रेन फंक्शन करेगा इस टाइम, कार्बोहाइड्रोजन पूरे कर, ला बीच वाले में एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। बीच वाले में एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नीचे भी लग गया, इधर भी लग गया, उधर भी लग गया। तो आपने क्या बनाया, देखो मैंने क्या बोला आपको, प्रोपीन, ये प्रोपीन है, ये टू पे ही मिथाइल है और टू पे ही अल्कोहल है, ठीक है, टू पे ही मिथाइल है, टू पे ही, तो मैंने क्या बोला, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, इसे बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या होगा इसका, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन एटम पे OH आया है तो चार कार्बन एटम ही, और ये टर्शरी कार्बन एटम पे OH आया है तो दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम। इतने तक कॉमन नेम तो आपको हमें याद होने चाहिए अल्कोहल में, कि एन प्रोपाइल अल्कोहल किसको कहते हैं, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल किसको कहते हैं, एन ब्यूटाइल अल्कोहल किसको कहोगे, आइसो किसको बोलोगे, सेकेंडरी किसको बोलोगे, टर्शरी किसको बोलोगे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो चार ही हैं, गिन ले, 1 2 3 4, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, समझ आए, तो दिस वाज योर, अब ये इतना अल्कोहल ही करीब